हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द नेक्स्ट वीडियो वेदांता कॉमर्स। आज के इस क्लास में हम लोग बात करने वाले हैं डिवेंचर अकाउंटिंग में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, जिस टॉपिक से बहुत ही फ्रिक्वेंटली क्वेश्चन पूछा जाता है, दैट इज कंसिडरेशन अदर देन कैश। अभी तक डिवेंचर अकाउंटिंग में हम लोग कैसे बेसिक्स अकाउंटिंग करते हैं, यानी कि जर्नल एंट्री पास करते हैं, ये हम लोग सीख चुके हैं। और साथ ही साथ डिवेंचर इशूड एट प्रीमियम एंड डिवेंचर इशूड एट डिस्काउंट भी हम लोग आगे ऑलरेडी चर्चा कर चुके हैं। आपको याद होगा जब शेयर कैपिटल, इक्विटी शेयर कैपिटल का अकाउंटिंग पढ़ रहे थे, तो वहां पर हम लोग कंसिडरेशन अदर देन कैश टॉपिक पढ़े थे। एग्जैक्टली यहाँ पर भी वही है, थोड़ा सा माइनर डिफरेंसेस होता है, और वो भी किस केस में, जब डिवेंचर डिस्काउंट पे इशू होता है। ठीक है, आपको याद होगा कंसिडरेशन अदर देन कैश का मतलब हम आपको बताए थे कि अगर आप एज अ बिजनेसमैन कोई एसेट्स खरीदते हैं तो आपको पैसा देना चाहिए उस बंदे को जिससे आप एसेट्स खरीदे, मगर आप एसेट्स के बदले पैसा ना दे के डिवेंचर यहाँ पर दे रहे हो। चूंकि चैप्टर हम डिवेंचर पढ़ रहे हैं तो यहाँ पर डिवेंचर देंगे, ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो इसी टॉपिक को बोलते हैं कंसिडरेशन अदर देन कैश, यानी कि आप कोई एसेट्स खरीद रहे हैं और उसके बदले कैश के बदले कुछ और दे रहे हैं, डिवेंचर दे रहे हैं, तो उसको हम लोग कंसिडरेशन अदर देन कैश कहते हैं। अब यहाँ पे दो बातें होंगी, या तो डिवेंचर पार पे दिया जाएगा, या तो डिस्काउंट पे दिया जाएगा, और या तो एक और बात होगा प्रीमियम पे दिया जाएगा। तीन कंडीशन हो सकता है, डिवेंचर या तो डिस्काउंट पे देंगे, या तो प्रीमियम पे, या तो पार पे, है ना। अच्छा, एक और बात करें तो डिवेंचर की अगर हम लोग बात करें तो आपका यहाँ पर फेस वैल्यू के हिसाब से जितना भी डिस्काउंट देना है उसके हिसाब से आप माइनस करके डिवाइड कर देते हो। आपको याद होगा हम बताते थे कि सबसे पहले आप नंबर ऑफ डिवेंचर निकालोगे, यानी कि अगर मान लीजिए 10 लाख रुपए का मशीन खरीदे, 10 लाख रुपए का पेमेंट करना है, तो एक डिवेंचर कितने का दे रहे हैं, 90 का दे रहे हैं, 80 का दे रहे हैं, 70 का दे रहे हैं, 120 में दे रहे हैं, कितने में दे रहे हैं, जितना में भी दे रहे हैं, जो भी प्राइस डिसाइडेड है उससे आप डिवाइड करोगे, नंबर ऑफ डिवेंचर पता चल जाएगा और उसी के आधार पे निकालेंगे। तो सबसे पहला काम होता है आपका अकाउंटिंग स्टार्ट करने से पहले कि नंबर ऑफ डिवेंचर आप कैलकुलेट कर लें। अच्छा, एक और बात कि जिस बंदे से आप उधार पे एसेट्स खरीदते हो उसको हम लोग वेंडर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वेंडर बोलते हैं। अगर गुड्स खरीदे हैं तो बोलते हैं क्रेडिटर, और अगर एसेट्स खरीदे हैं तो उसको क्या बोलते हैं? वेंडर बोलते हैं। तो अगर दुकानदार का नाम दिया हुआ है तब तो दुकानदार का नाम लिख देंगे, और अगर नहीं दिया हुआ है तो हम लोग क्या लिखेंगे? वेंडर लिखेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं कि किस तरीके का एंट्री बेसिकली आपसे पूछा जाएगा। तो कंसिडरेशन अदर देन कैश की बात करें तो यहां पर आप देखिए सबसे पहले क्या कह रहा है, वेंडर, है ना, वेंडर बोल रहा है, वेंडर डिवेंचर। देखिए सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, अ कंपनी परचेज एसेट्स ऑफ द बुक वैल्यू 9,90,000। एक कंपनी 9,90,000 रुपए का डिवेंचर खरीद रहा है, सॉरी एसेट्स खरीद रहा है फ्रॉम अनदर कंपनी। अनदर कंपनी, कंपनी का नाम यहां पर नहीं दिया है। It was agreed that the purchase consideration to be paid by issuing 11% debenture of 100 each, है ना? Assuming that the debenture has been issued at par, at a discount of 10%, at a premium of 10%. आपसे तीन क्वेश्चन पूछा गया, कह रहा है क्वेश्चन में 9,90,000 रुपए का मशीन खरीदे आप, ठीक है, आप मशीनरी खरीदे हैं, ठीक है, आपने 100 रुपए का डिवेंचर, फेस वैल्यू कितना है, तो सर 100 रुपया, नाम क्या है, तो नाम है आपका 11% डिवेंचर नाम है, ठीक है, तो ऐसा है कि फेस वैल्यू इसका दाम है 100 रुपया, 11% डिवेंचर, ठीक है, 11% डिवेंचर इसका नाम है। अब आपको करना क्या है, बेसिकली तीन कंडीशन आपको दिया है, सबसे पहला पार, दूसरा कंडीशन क्या है, 10% का डिस्काउंट, एंड तीसरा कंडीशन में प्रीमियम है, प्रीमियम कितना परसेंट है, 10%।
तीनों कंडीशन पे आपको अलग अलग तरीके से निकालना है, ठीक है। चलिए पहला कंडीशन अप्लाई करते हैं पार का, ठीक है। तो सबसे पहले नंबर ऑफ डिबेंचर निकालना है, क्या निकालना है, नंबर ऑफ डिबेंचर। तो नंबर ऑफ डिबेंचर कैसे निकलेगा, 9,90,000 रुपीज है और हर डिबेंचर का रेट पार, पार यानी कि 100 का चीज 100 में, तो यहां पर आपका नंबर ऑफ डिबेंचर हो जाएगा टोटल 9,900, है ना, इतना नंबर ऑफ डिबेंचर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है आपका, मान लीजिए अगर 10% के डिस्काउंट पे 10% डिस्काउंट है, ठीक है, तो नंबर ऑफ डिबेंचर क्या निकलेगा, सर नंबर ऑफ डिबेंचर निकलेगा 9,90,000 और अब की बार अगर 10 रुपए का डिस्काउंट है, 10% का डिस्काउंट है, तो 90 रुपए से डिवाइड करेंगे तो फाइनली वैल्यू आएगा 11,000। यानी कि अगर आप 90 रुपए के हिसाब से डिबेंचर देते हैं तो आपको 11,000 डिबेंचर देना पड़ेगा, और 100 रुपए के हिसाब से डिबेंचर देते हैं तो 9,900 डिबेंचर देना पड़ेगा। और थर्ड केस, 10% प्रीमियम पे अगर देते हैं थर्ड केस में, तो नंबर ऑफ डिबेंचर कितना होगा, नंबर ऑफ डिबेंचर आपका 9,90,000 डिवाइडेड बाय 110, 110 से डिवाइड करेंगे तो सिंपली आपको नंबर से डिवाइड कर देना, ठीक है, तो आपका इसमें हो जाएगा 9,000 डिबेंचर। ये आपका तीनों केस में अलग अलग डिबेंचर इशू होगा अगर अलग अलग अमाउंट कंसीडर करते हैं तो। अब इसका जर्नल एंट्री पास करना है, तो चलिए एक बार देख लीजिए यहाँ पर, अगर प्रॉब्लम होगा तो फिर और अच्छे से बताएंगे, हालांकि यहाँ पे आपको प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। देखिए सबसे पहला केस क्या है, पार पे, पार पे अगर दे रहे हैं तो सबसे पहले तो एसेट्स आपको खरीदना पड़ेगा, तो एसेट्स जब खरीदे हैं तो लिखेंगे सन्ड्री एसेट्स अकाउंट DR 9,90,000 टू वेंडर। वेंडर क्यों लिख रहा है, क्योंकि वेंडर का जिससे परचेस किए उसका नाम नहीं है, तो नाम अगर नहीं है तो हम लोग क्या लिखते हैं, वेंडर अकाउंट लिखते हैं, ठीक है। टू वेंडर 9,90,000 रुपए का मशीनरी खरीदा गया। नेक्स्ट, डिबेंचर आर इशूड एट पार, जब आप पार पे इशू करते हैं तो क्या एंट्री होगा, तो आपको पता है आप टोटल कितना डिबेंचर दे रहे हो, आप टोटल 9,900 डिबेंचर दे रहे हो, 9,900। सन्ड्री एसेट्स क्यों लिखा है सर, क्योंकि सन्ड्री जैसे कोई भी एसेट्स खरीदे हैं, यहाँ पे एसेट्स का नाम नहीं लिखा है, जैसे अगर लिख देता कि मशीन खरीदे तब तो मशीनरी लिखते, फर्नीचर खरीदे तो फर्नीचर लिखते हैं, ट्रक खरीदता तो ट्रक लिखते, मगर ऐसा कुछ बोला नहीं है, सन्ड्री एसेट्स लिख दिए हैं, ठीक है। वेंडर अकाउंट DR, अब वेंडर को पेमेंट कर रहे हैं ना, है ना, वेंडर को अगर पेमेंट कर रहे, चलिए इसका हम एंट्री कर देते तो बढ़िया रहेगा ज्यादा। पहला आप एंट्री पास करोगे जो आप सन्ड्री एसेट्स खरीद रहे हो, तो सन्ड्री एसेट्स जो खरीद रहे हो उसका एंट्री क्या होगा, सन्ड्री एसेट्स अकाउंट DR टू वेंडर कितना, 9,90,000 एंड 9,90,000 रुपया। नेक्स्ट है आपका सेकेंड एंट्री, वेंडर को पैसा देना, वेंडर को पैसा देना, तो ये है कंडीशन पार वाला। तो पार के कंडीशन में आप वेंडर को तो 9,90,000 ही दोगे, मगर यहां पर इस बार क्या दे रहे हैं, 11% डिबेंचर दे रहे हैं, कितने का, तो सर 9,900 डिबेंचर दे रहे हैं और हर डिबेंचर का दाम 100 रुपया रखे हैं पार पे, तो 9,90,000 रुपया आपका डन डनाडन डन हो गया। सेकेंड कंडीशन क्या है कि भाई हम लोग डिबेंचर जो है डिस्काउंट पे दे रहे हैं, ठीक है, तो डिस्काउंट के केस में क्या होगा, वेंडर को फिर से डेबिट करेंगे, अलग अलग कंडीशन है, तो भाई वेंडर को तो 9,90,000 रुपया ही देना, सॉरी वेंडर का 9,90,000 ही होगा, ठीक है, मगर टू 11% डिबेंचर की बात करें तो जब डिस्काउंट के केस में हम लोग 11,000 डिबेंचर दे रहे हैं, याद है ना, हम लोग यहाँ पे कैलकुलेट किए हैं कितना है, 11,000 डिबेंचर है, तो 11,000 अगर डिबेंचर है तो हम लोग कितना लिखेंगे, 11,000 इंटू 100, तो टोटल हो जाएगा
11 लाख रुपया। तो अब आप देखिए, आपको हर आप टोटल यहाँ पे जो बैलेंस अमाउंट है, है ना, डेबिट इज इक्वल टू क्रेडिट होना चाहिए, है ना। और ऐसे दो तरीका है निकालने के लिए, या तो बैलेंस कर लीजिए, बैलेंस करेंगे 9 लाख 11 लाख रुपया में से 9,90,000 रुपया घटाएंगे तो आपका बन जाएगा 1,10,000 रुपया। ये एक पहला तरीका है, 1,10,000 रुपया यहाँ लिख दिए। एंड दूसरा तरीका क्या है, आप 11,000 डिवेंचर दे रहे हैं और हर डिवेंचर पे 10 रुपये का डिस्काउंट है, तो 1,10,000 रुपया कैलकुलेट करोगे तो आ जाएगा। और चूंकि डिस्काउंट है और डिस्काउंट हमेशा एक्सपेंस होता है, इसलिए डेबिट साइड में लिखेंगे डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर। ये सिर्फ चीज आपको समझना है, एक बार फिर से रिपीट कर रहे हैं, ध्यान से देखिएगा। 11% डिबेंचर हमने दिया है 11,000 पीस, डिस्काउंट के केस में नंबर कितना था 11,000, तो 11,000 इंटू 100 किए तो आया 11 लाख रुपया। अच्छा, वेंडर को एक्चुअली में देना कितना था 9,90,000, तो अगर ऊपर में आप क्रेडिट किए हैं 9,90,000 से तो डेबिट भी करेंगे 9,90,000 से। और ये बीच का जो डिफरेंस है 1,10,000, ये कैसे आया, तो सर 11,000 डिवेंचर दे रहे, हर डिवेंचर पे 10 रुपये का डिस्काउंट है, तो टोटल हो गया आपका डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर 1,10,000 रुपया। आई होप कि आपको ये अब क्लियर होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। अब नेक्स्ट बारी आती है प्रीमियम की, कि जब प्रीमियम पे इशू करेंगे तो क्या एंट्री होगा, ठीक है। तो वेंडर अकाउंट डीआर 9,90,000 रुपया, ठीक है। टू 11% डिबेंचर, 11% डिबेंचर आप कितना पीस दे रहे हो, तो 9,000 पीस कैलकुलेट किए थे ना 100 रुपए के हिसाब से, तो टोटल कितना हो गया 9 लाख रुपीस। और चूंकि इस बार एक्स्ट्रा ले रहे हो 10 रुपया, तो लिखेंगे टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व, 9,000 डिबेंचर है और हर डिबेंचर पे 10% यानी कि 10 रुपया, तो ये कितना हो जाएगा 90,000 रुपया। तो देखिए दोनों जो है वो मैच कर रहा है, ये आपका जब आप प्रीमियम पे इशू करेंगे तो एंट्री होगा। आई होप कि आपको क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समझते हैं इसको, अगर बताने की जरूरत पड़ेगा तो इसको बताएंगे भी। आर लिमिटेड टुक ओवर एसेट्स 5,60,000 एंड क्रेडिटर 80,000 फ्रॉम एस लिमिटेड। यहाँ पर बिजनेस खरीदा रहा है, आर लिमिटेड जो है एस लिमिटेड को परचेज कर रहा है, ठीक है। आर लिमिटेड बोला कि भैया तुम्हारा हम पूरा परचेज कर लेंगे एस लिमिटेड को, ठीक है भाई। एस लिमिटेड के पास क्या था, तो एसेट्स था इसके पास 5,60,000 रुपए का, और लाइबिलिटी यानी कि क्रेडिटर कितने का है, तो क्रेडिटर है 80,000 रुपए का। तो एसेट्स 5,60,000 रुपया और 80,000 रुपए का क्रेडिटर, तो फाइनल वैल्यू कितना बनता है 4,80,000। कितना बना 4,80,000 रुपया, माइनस कर देंगे ना लाइबिलिटी को, क्या करते हैं माइनस करते हैं। चलो आगे क्या कह रहा है, आर लिमिटेड इशूड 8% डिवेंचर ऑफ 20 ईच, 20 रुपया का डिवेंचर है, नाम है 8% डिवेंचर एट अ प्रीमियम ऑफ 20%। यानी कि सर 20 रुपए का डिवेंचर और 20% प्रीमियम यानी कि 4 रुपया, तो टोटल कितना हो गया 24 रुपया। एक डिवेंचर वो 24 रुपए में दे रहा है। कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ परचेज कंसिडरेशन नंबर ऑफ डिवेंचर इशूड, आपको कैलकुलेट करना। तो सिंपल सा फंडा है, कैलकुलेशन सामने है, एक बार हाईलाइट कर देते हैं। सबसे पहले परचेज कंसिडरेशन निकालना, तो परचेज कंसिडरेशन निकालने के लिए क्या करोगे, एसेट्स में से लाइबिलिटी माइनस करोगे, 5,60,000 माइनस 80,000 हो गया 4,80,000 रुपया। अब आपको पता है डिवेंचर का दाम 20 रुपया है, 20% का प्रीमियम, तो कितना हो गया 4 रुपया। तो अब आपको क्या निकालना पड़ेगा, नंबर ऑफ डिवेंचर, तो नंबर ऑफ डिवेंचर इशूड कितना हो जाएगा, 4,80,000 रुपया देना है, 4,80,000 रुपया देना है, 24 रुपए का एक डिवेंचर है, तो टोटल कितना पीस डिवेंचर हो जाएगा 20,000 पीस। यानी कि कंपनी 20,000 पीस डिवेंचर दे रहा है, नाम क्या है 8% डिवेंचर, बात समझे। चलिए अब एंट्री करना है, तो भाई सबसे पहला एंट्री होगा
आप जो सामान खरीद रहे हो उसका, तो एसेट्स खरीद रहे हो, एसेट्स कितने का है, तो 5,60,000 का है। लाइबिलिटी खरीद रहे हो, तो लाइबिलिटी जो है वो क्रेडिट साइड में लिखा था, आपको पता है। तो बैलेंस अमाउंट जो है एस लिमिटेड। अब देखिए यहां पर नाम नहीं देता तो क्या लिखते हैं, वेंडर लिखते हैं। क्या लिखते हैं? वेंडर लिखते हैं। मगर चूंकि वेंडर नाम दे दिया है जिसको खरीद रहे हैं, तो फिर उसका नाम लिखेंगे। तो एस लिमिटेड को पैसा देना, इसलिए एस लिमिटेड नाम लिख दिए। नहीं देता तो वेंडर लिखते हैं। अब देखिए ये जो जर्नल एंट्री थोड़ा धुंधला है, हम यहाँ पे आपको राइट डाउन कर ले, नोट डाउन कर देते हैं। अब कंपनी एस लिमिटेड को पैसा देगी, है ना, डिवेंचर देगी। तो एस लिमिटेड को 4,80,000 रुपया देना है, 2.8% डिवेंचर। कितना पीस? तो सर 20,000 पीस दे रहे हैं, और हर का रेट कितना है, 20 रुपया। तो टोटल कितना हो गया, 4,00,000 रुपया। एंड टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व, 20,000 × 4 रुपया, टोटल कितना हो जाएगा, 80,000 रुपया। बात समझे? ये आपका फाइनल सॉल्यूशन। तो आई होप कि आपको ये बहुत अच्छे से क्लियर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कोई और क्वेश्चन जो आपको कठिनाई हो। आप देखिए ये आपका सीबीएसई का एग्जाम का क्वेश्चन है, सीबीएसई सेट। देखते हैं दम है कि नहीं इस क्वेश्चन में। 3 मार्क्स में पूछा जाता है। प्रकाश लिमिटेड परचेज एसेट्स वर्थ ₹2,20,000 एंड ऑल्सो टूक ओवर क्रेडिटर 40,000 ऑफ अजय लिमिटेड। परचेज कंसिडरेशन 1,92,000 रुपया। अब देखिए यहाँ पर एक चीज बहुत अच्छा काम कर दिया, थोड़ा घुमाने का कोशिश किया, ठीक है ना, थोड़ा घुमाने का कोशिश कर रहा है। तो ये जो क्वेश्चन है बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सा इसमें ट्विस्ट करने का कोशिश किया गया है। देखिए क्या कह रहा है कि एक बंदा जो है बिजनेस खरीद रहा है, ठीक है, प्रकाश जी बिजनेस खरीद रहे हैं अजय का, प्रकाश जी खरीद रहे हैं बिजनेस अजय का। तो अजय के पास क्या क्या था, एसेट्स था। एसेट्स कितने का है, तो सर 2,20,000 रुपए का, चलो भाई ठीक है। और लाइबिलिटी कितने का है, तो लाइबिलिटी है आपका 40,000 रुपए का। तो फाइनली बचा कितना, 1,80,000 रुपया लाइबिलिटी बचा, ठीक है, सॉरी अमाउंट। तो भाई 180 देना चाहिए था ना, कितना देना चाहिए था, 180, मगर परचेस कंसिडरेशन जो है 1,92,000 शो कर रहा है। देखिए यहाँ पे शो कर रहा है कि नहीं, 1,92,000। तो सर ऐसा क्यों सर, वो एक्स्ट्रा क्यों दे रहा है सर, क्योंकि बाबू गुडविल, 1,80,000 के बदले हम 192 दे रहे हैं। तो आपको बताए थे 12,000 रुपया जो एक्स्ट्रा दे रहे हैं वो क्यों दे रहे हैं, गुडविल की वजह से दे रहे हैं, है ना। इस बिजनेस का कुछ ना कुछ, अजय जी के बिजनेस का कुछ ना कुछ गुडविल होगा, उसका एंट्री कर रहे हैं, ठीक है। चलिए अब थोड़ा सा इसका, अब यहाँ पर ये भी देखना पड़ेगा कि भाई एक डिवेंचर दे कितने का रहे हैं। देखो परचेज कंसिडरेशन बाई इशुइंग 12% डिवेंचर ऑफ 100 ईच एट प्रीमियम ऑफ 20%। अच्छा ये 192, देखो बात क्या हुआ, बात हुआ 192 पे करने का। तो ये जो 1,92,000 पे किया जा रहा है, 100 रुपए का डिवेंचर, है ना, सॉरी 192 जो देना है, 100 रुपए का डिवेंचर है, और हर डिवेंचर का दाम 20 रुपए एक्स्ट्रा लिया जा रहा है, यानी कि 120 रुपया लिया जा रहा है। तो 120 से जब डिवाइड करेंगे तो नंबर ऑफ डिवेंचर कितना निकलेगा, 1,600। कितना पीस, 1,600 पीस डिवेंचर निकलेगा आपका, ठीक है। चलिए अब देखते हैं, देखो सबसे पहले जो एसेट्स खरीदे हैं, तो सन्ड्री एसेट्स अकाउंट डीआर 2,20,000 रुपया। लाइबिलिटी जो कितने का खरीदे हैं, 40,000 का, तो लाइबिलिटी क्रेडिट में जाता है, आपको ये भी पता है। मिस्टर अजय को जो कि यहाँ पे क्या है, वेंडर है, मिस्टर अजय यहाँ पे क्या है, वेंडर है। तो वेंडर को कितना देने का बात हुआ, आप जितना एग्री किए हो उतना लिखोगे, कितना लिखोगे, 192। तो ये जो बीच का डिफरेंस है मेरे बच्चों, ये जो बीच का डिफरेंस है, गुडविल आपका निकल जाएगा 12,000 रुपया।
हम यहाँ पर आपको कैलकुलेट करके दिखला दिए, आपको अलग से करने का जरूरत नहीं है एग्जाम में। आप बस सन्ड्री एसेट्स जो खरीदे वो, लाइबिलिटी जो खरीदे वो क्रेडिट में, और कितना का एग्री हुआ ये तीनों लिख देंगे, और बैलेंसिंग फिगर अगर डेबिट में आता है तो गुडविल, और अगर क्रेडिट साइड में आता है तो उसको बोलते हैं कैपिटल रिजर्व। याद है ना कि अगर सेम बैलेंसिंग फिगर क्रेडिट साइड में आता है तो हम उसको क्या बोलते हैं, कैपिटल रिजर्व। अब बारी आता है 1,92,000 पे करने का, तो अजय को कितना देना है, 1,92,000, बदले में हम क्या दे रहे हैं, 12% डिवेंचर, और 16 पीस कैलकुलेट किए हैं 100 रुपए के हिसाब से, 1,60,000 होता है, और हर पे 20 रुपए का प्रीमियम है, तो सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व 1,600 × 2 32,000 रुपए, बस हो गया। तो जो भी यहाँ पर खेल है बाबू, सब है नंबर ऑफ डिवेंचर का। नंबर ऑफ डिवेंचर आप निकाल लीजिए, और यहां पर जो लिखते हैं आप, है ना, ये 12% डिवेंचर, तो 1,600 × 100, ये कहां से आया, तो नंबर ऑफ डिवेंचर निकालने के बाद, और 1,600 रुपए पे, 1,600 डिवेंचर पे 20 रुपए का प्रीमियम ले रहे हैं, वो अलग, ठीक है। इसी तरीके से आपका ये 12 नंबर भी बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए एक ये क्वेश्चन देखते हैं, ये थोड़ा सा है ना, कुछ नया नहीं है, आपको बस ऐड करने का काम किया है कुछ ना कुछ। देखिए क्या कह रहा है, राघव लिमिटेड परचेज अ रनिंग बिजनेस ऑफ कृष्णा। राघव जो है कृष्णा लिमिटेड का, कृष्णा ट्रेडर का बिजनेस खरीद रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। फॉर द सम ऑफ 15 लाख, कृष्णा ट्रेडर एकदम सीधा बोल दिया भाई 15 लाख लेंगे, अब जो है सो है। अच्छा, 15 लाख रुपया कैसे देना है सर, तो 15 लाख रुपया देना है 3 लाख बाई चेक, 3 लाख का तो चेक, और बाकी का 9% डिवेंचर ऑफ 100 ईच एट पार। 15 लाख में दो तरीके से पैसा दिया जा रहा है, 3 लाख रुपए का चेक एंड बाकी का 12 लाख रुपए के लिए डिवेंचर, और हर डिवेंचर का दाम है 12 लाख पीस है, 12 लाख रुपया देना है, हर डिवेंचर का दाम 100 रुपया, तो नंबर ऑफ डिवेंचर आपका कितना निकल जाएगा, 12,000, कितना निकल जाएगा, 12,000 डिवेंचर, ठीक है। चलो नेक्स्ट, द एसेट्स एंड लाइबिलिटीज कॉन्स्टिट्यूटेड ऑफ द फॉलोइंग। एसेट्स एंड लाइबिलिटी में क्या क्या है, तो सबसे पहला प्लांट एंड मशीनरी है इस बिजनेस के बाद, यानी कि कृष्णा ट्रेडर के पास क्या क्या था, कृष्णा के पास क्या क्या है, तो बिल्डिंग है, प्लांट एंड मशीनरी है, स्टॉक है, डेटर है और क्रेडिटर है। तो ये जो क्रेडिटर है ये क्रेडिट साइड में लिखेंगे, और बाकी ये जो चारों आइटम है वो कहाँ लिखेंगे, डेबिट साइड में, ठीक है। चलो एंट्री इसका पास करते हैं, तो सबसे पहले आप जो खरीद रहे हैं उसका एंट्री करेंगे, प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट डीआर, बिल्डिंग अकाउंट डीआर जो वैल्यू बुक में दिया है, स्टॉक एंड डेटर, ठीक है। आपको ये भी पता है कि कितना क्रेडिटर है, तो क्रेडिटर है 20,000 रुपए का, कृष्णा ट्रेडर को कितना देना है, तो 15 लाख रुपए देना है। तो बैलेंसिंग फिगर इस बार कहाँ आ रहा है, क्रेडिट साइड में आ रहा है, तो हम क्या बताए थे, बैलेंसिंग फिगर जो क्रेडिट साइड में आ रहा है उसको क्या बोलेंगे, कैपिटल रिजर्व, और ये कितने का है, 1 लाख रुपए का, यानी कि कंपनी को यहाँ पर फायदा हो रहा है, कंपनी को यहाँ पे क्या हो रहा है, फायदा हो रहा है, कितने का, 1 लाख रुपए का, इसलिए इसको कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर किया गया। तो सबसे पहले है ना, आप सबसे पहले क्या निकालेंगे, कैपिटल रिजर्व निकाल लिए भाई, कितना हो गया आपका, 1 लाख रुपया कैपिटल रिजर्व हो गया। अब कृष्णा ट्रेडर को देना है कितना लाख रुपया, 15 लाख रुपया पे करना, चलो भाई वो भी पे कर दिया जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। तो कृष्णा ट्रेडर टू बैंक 3 लाख रुपया, कृष्णा ट्रेडर टू बैंक कितना हो जाएगा, 3 लाख रुपया कृष्णा ट्रेडर को चेक से पेमेंट कर रहे हैं, और बाकी का 12 लाख रुपया के लिए हम क्या कर रहे हैं, कृष्णा ट्रेडर अकाउंट डी आर टू 9% डिवेंचर 12 लाख रुपया, कैसे हो जाएगा, तो सर 12,000 डिवेंचर और हर डिवेंचर का दाम 100 रुपया रेट है, इस तरीके से, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर नंबर ऑफ डिवेंचर देखो, एक सिंपल सा फंडा है, नंबर ऑफ डिवेंचर आपको कब कैलकुलेट करना पड़ता है, जब डिस्काउंट पे इशू कर रहे हैं और या फिर प्रीमियम पे इशू कर रहे हैं। पार पे अगर आप डिवेंचर इशू कर रहे हैं तो आपको है ना नंबर ऑफ डिवेंचर कैलकुलेट करने का दरकार
नहीं, बात समझ में आया? ये एक छोटा सा पॉइंट है जो आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका 14 क्वेश्चन नंबर, ये भी आपसे बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। 16, 15 ये भी बन जाएगा, क्योंकि जो मेन थीम है आपको हम बता चुके हैं, अब आपको सिर्फ प्रैक्टिस करना है बस। जैसे देखिए एक 18 नंबर आपसे डिस्कस करते हैं, देखिए क्या कह रहा है। एक्स लिमिटेड परचेज वाई लिमिटेड, एक्स जो है कह रहा है कि वाई लिमिटेड को खरीद रहे हैं, चलो भाई अच्छी बात है। तो इसके पास है क्या? प्लांट एंड मशीनरी 20 लाख रुपए का है एट 18 लाख, 20 लाख का चीज 18 लाख में खरीद रहा, तो हम लोग 18 लाख ही लिखेंगे। तो प्लांट एंड मशीनरी का वैल्यू कितना है? 18 लाख रुपीज। नेक्स्ट लैंड एंड बिल्डिंग 30 लाख का है, कितने में खरीद रहा? 42 लाख में। तो लैंड एंड बिल्डिंग हम जितने में है वैल्यू उतना ही लिखेंगे, 42 लाख रुपए में अगर खरीद रहा है तो 42 लाख लिखेंगे। ये बस आपको कंफ्यूज करने का कोशिश कर रहा है ना। परचेस कंसिडरेशन है 55 लाख रुपया। अब देखिए टोटल वैल्यू कितना होता है, 8 और 2 10 और 4 1 5 1 6, 60 लाख रुपया वैल्यू बनता है। मगर एक्स लिमिटेड कह रहा है कि भैया हम तो वाई लिमिटेड को मात्र 55 लाख रुपया ही देंगे। तो तुम यहां पर देखो 5 लाख रुपए का क्या हो रहा है? फायदा हो रहा है, ठीक है, ठीक है। तो ये कहां चला जाएगा? कैपिटल रिजर्व में चला जाएगा। अरे 60 लाख का सामान कितने में खरीद रहे हैं? 55 लाख रुपए में। तो कितने का फायदा है? 5 लाख रुपीस का यहाँ पे फायदा है। तो ये कहां चल जाएगा? कैपिटल रिजर्व में चला जाएगा, ठीक है। अच्छा पैसा कैसे दे रहे हैं? तो कह रहा है सर पेड 10 लाख इन कैश एंड द रिमेनिंग इशूड 8% डिबेंचर ऑफ 100 ईच एट ए 20% प्रीमियम। क्वेश्चन कह रहा है कि देखिए 55 लाख रुपया पे करना है, जिसमें से 10 लाख तो कैश में दे रहे, तो बचा कितना? 45 लाख रुपया। और 45 लाख रुपया के लिए हम 8% डिबेंचर दे रहे हैं और हर डिबेंचर का दाम है 100 रुपया और 20% के प्रीमियम पे, यानी कि 120 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो आपका कैलकुलेट हो जाएगा। बात समझे? ये आपका फंडा है, तो बस बेसिक सा फंडा है। तो आप मशीन खरीदे हैं प्लांट एंड मशीनरी 18 लाख में खरीदे तो 18 लाख लिखेंगे। देखो वैल्यू क्या है इट डजंट मैटर, कितने में डील फाइनल हुआ वो लिखेंगे ना। लैंड एंड बिल्डिंग 30 का था, 42 में खरीदे तो 42 लिखेंगे। वाई लिमिटेड को देना है 55 लाख, तो फायदा कितने का हुआ है? फायदा हुआ है 5 लाख रुपए का। और 10 लाख रुपया कैश दे रहे हैं वो लिखे, चेक के थ्रू दे रहे हैं, और 45 लाख रुपया का डिवेंचर दे रहे हैं, तो टोटल डिवेंचर हो गया 37,500। तो 37,50,000, और देखिए सिंपल सा बात है 37,500 और हर डिवेंचर पे 20 रुपए का फायदा हो रहा है, तो ये हो जाएगा 7,50,000 रुपया। और 37,500 और हर डिवेंचर का दाम 100 रुपया, तो ये चल जाएगा फेस वैल्यू यहाँ, बस हो गया। इसी तरीके से आपको बनाना है, 19 भी बन जाएगा। और कल के क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे एक न्यू टॉपिक, दैट इज इशू ऑफ डिबेंचर एज कोलेटरल सिक्योरिटी। ये आपके लिए टोटली न्यू टॉपिक है, इसके बारे में आप शेयर में नहीं पढ़े हो, तो कल का क्लास में आपको एकदम टोटली न्यू टॉपिक देखने को मिलेगा। और इस टॉपिक से भी 3 नंबर का चांसेस होता है। देखिए या तो कंसिडरेशन अदर देन कैश से आपसे पूछ सकता है, और या तो आपसे पूछ सकता है कोलेटरल सिक्योरिटी के तौर पे, अगर इशू कर दिया डिवेंचर तो क्या होगा। तो ये क्या होता है हम कल समझेंगे। आज के क्लास में बस फिलहाल इतना ही। थैंक यू सो मच।